इस सेक्शन में हम लोग देखेंगे कि हार्ट डिजीज से हम लोग बचने के लिए क्या कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोग चिंतित रहते हैं वो हार्ट अटैक, जिसमें धमनियों में रुकावट की वजह से होता है। दूसरी एक जो कॉमन बीमारी है, खासकर आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये बढ़ गई है इसलिए कि डायबिटीज़ में अक्सर 5 साल या 7 साल जिनका डायबिटीज़ हो गया है उन लोगों में ये बीमारियों के लक्षण आने लगते हैं, वो कहते हैं हार्ट फेलियर, जिसका जांच हम लोग एकोकार्डियोग्राफी से करते हैं। धमनियों की रुकावट के लिए हम लोग TMT और एंजियोग्राफी का सहारा लेते हैं। हमें अपने भोजन में सबसे पहले तो फैट को कटेल करना ही है, और साथ ही साथ शुगर को भी कटेल करना है। जीवन में भोजन को तो संतुलित करना चाहिए, तो संतुलित कैसे करें भोजन को, एक आम आदमी के लिए समझ के परे है कि कैसे करें। तो बहुत सिंपल है कि अगर आप एक प्लेट लेते हैं उसको 4 हिस्सा में बांट दीजिए। एक आधा हिस्सा फल और सब्जी के लिए रखिए, 1/4 हिस्सा जो है तो आप अपने प्रोटीन के लिए रखिए, दाल फिश या जो भी आप खाते हैं, और 1/4 हिस्सा जो है तो आप कार्बोहाइड्रेट के लिए रखिए।